दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर, और अभी तक के हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मार्केटिंग मिक्स क्या होता है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करके रखा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग कस्टमर वैल्यू एंड वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लो कस्टमर वैल्यू और वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो टर्म है, दो वर्ड्स हैं, एक कस्टमर वैल्यू है, दूसरा वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। सबसे पहले कस्टमर वैल्यू क्या होता है, क्वेश्चन बार बार इस तरीके से ही पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कस्टमर का जो वैल्यू है, कस्टमर की किसी प्रोडक्ट को लेकर के उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो इमेज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कस्टमर की वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर देखो लिखा क्या है, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब एक इंपॉर्टेंस होता है कि किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस कितनी, उसकी वर्थ कितनी, उसकी यूजफुलनेस कितनी है, ठीक है। इसी चीज़ को उसकी क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यू बोलते हैं, कि आपकी आपकी वैल्यू कितनी है आपके घर वालों की नज़रों में, है ना। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि जो वैल्यू होता है वो क्या होती है, एक तरीके से आपकी इंपॉर्टेंस हो गई, आपकी वर्थ हो गई, कि आपकी इज्जत क्या है, ठीक है, आपकी यूजफुलनेस क्या है। तो यही क्या होगी, कस्टमर की वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आ गया कि जो कस्टमर का, अब वैल्यू का मतलब तो समझ गया, वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस हो गया, वर्थ हो गया, यूजफुलनेस ऑफ समथिंग। बट जो कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या होगा कि हाउ मच अ प्रोडक्ट, हाउ मच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज वर्थ टू अ कस्टमर। जैसे मान लो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर अगर आप जाते हो, आपको अच्छे से फैसिलिटीज़ मिलती है, आपको अच्छे से सर्विस मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पर से क्या है कि आप उस आपकी नज़रों में उसकी जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। वहीं पर कोई भी दूसरा हॉस्पिटल है, उसके अंदर आप जाओ काम ही नहीं होता है, तो वहाँ पर से आपकी क्या होगी, उसकी नज़रों में आपकी जो भी वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो आप उस हॉस्पिटल में क्यों जाना पसंद करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से होटल्स की भी बात ले सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की नज़रों में अलग अलग वैल्यू हो सकती है एक प्रोडक्ट की। लाइक मेरा काम एक सिंपल से स्मार्टफोन से चल सकता है, ठीक है, मेरे लिए हमारे लिए इतनी ही वैल्यू है कि इस फोन की हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू। बट अगर कोई हमसे मान लो ज़्यादा अमीर आदमी होगा तो उसके नज़रों में क्या होगा, उसके नज़रों में ये फ़ोन की वैल्यू कुछ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो ये लगेगा अरे ये तो बेकार सा फ़ोन है, उसके लिए तो फिर आईफोन महंगे और बड़े से अच्छे से फ़ोन चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, और अलग अलग वैल्यू के लिए मतलब अलग अलग प्रोडक्ट ही वैल्यू उसके लिए सर्व करता है। तो कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है कि हाउ मच अ प्रोडक्ट और सर्विस, जिससे जो प्रोडक्ट होता है और जो सर्विस होता है वो एक तरीके से वर्थ करता है कस्टमर के लिए। जो कस्टमर जिस भी प्रोडक्ट से, जिस भी सर्विस से अगर जिस कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, उसी की वो क्या होते हैं, वैल्यू होती है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जो कस्टमर की वैल्यू है, यहां पर से एक तरीके से परसेप्शन होता है। परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज वर्थ टू अ कस्टमर अमंग ऑल द अल्टरनेटिव्स। अब मान लो कि कस्टमर जो भी मेरे मार्केट में जाने पर मुझे बहुत सारे स्मार्टफोन्स दिखते हैं, एक Redmi का है, एक Oppo का है, एक Samsung का है, ठीक है, अलग अलग स्मार्टफोन के अलग अलग ब्रांड है, ठीक है, बहुत सारे रखे हुए हैं। तो मुझे मेरे लिए क्या है कि अल्टरनेटिव का मतलब कि जितने भी अल्टरनेटिव रखे हुए हैं उन सभी में से मैं एक को चूज़ करूँगा और उसकी वर्थ को डिसाइड करूँगा, क्योंकि उसकी वर्थ क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि कस्टमर की वैल्यू बोलते हैं, कि आपके लिए किसी प्रोडक्ट को लेकर के उस प्रोडक्ट की आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, दैट्स इट। आपको कस्टमर की वैल्यू यही चीज होती है, और कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। तो इसके लिए दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है डिजायर्ड वैल्यू और दूसरा होता है परसीव्ड वैल्यू। डिजायर्ड वैल्यू के अंदर क्या होता है कि मतलब कि आप किसी चीज की डिजायर करते हो। डिजायर वैल्यू का मतलब कि डिज़ायर वैल्यू मीन्स कि वॉट कस्टमर डिज़ायर इन अ प्रोडक्ट और सर्विस, कि आपकी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के डिज़ायर किस तरीके। मान लो आप कहीं पर जाना चाहते हो, किसी होटल में जाना चाहते हो, किसी भी शॉप में जाना चाहते हो, आप उसको लेकर के डिज़ायर्ड हो कि अच्छा मुझे तो वहाँ पर जाना है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपके नज़रों में बहुत है, बट अभी वहाँ पर से आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जा नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो एक तो होती है डिज़ायर्ड वैल्यू, और परसीव्ड वैल्यू क्या होती है दोस्तों, जब आप प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हो। अभी देखो डिज़ायर्ड में क्या है कि आप गए नहीं हो, आपने मान लो कि आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो वो वाली टीवी चाहिए जिसमें जो पतली वाली थिक वाली होती है और जो एकदम खूब बड़ी सी होती है, इस तरीके से अगर आप डिज़ायर कर रहे हो अपने दिमाग में, तो वो आपकी क्या हो गई, डिज़ायर्ड वैल्यू हो गई, ठीक है। मतलब कि अभी आपने उस चीज़ को यूज़ नहीं किया। अब मान लो परसीव्ड वैल्यू क्या होती है, जब आपने उसको यूज़ कर लेते हो, जब आप उसको घर में ले आते हो, उसको लगा लेते हो, दो चार साल यूज़ कर लेते हो, उसके बाद में उसकी जो भी इमेज आपके नज़रों में बनती है कि अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी है, इसको देखने से बहुत अच्छा फील आता है, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रही है, तो इट मीन्स कि वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट आफ्टर इट वॉज
परचेज, मतलब कि जब ये परचेज कर ली जाती है, जब ये खरीद ली जाती है, उसके बाद में जो उसकी वैल्यू बनती है वही उसकी क्या होती है, परसीव्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तीन पॉइंट्स के अंदर आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पर जो कस्टमर की वैल्यू क्या होती है, देन तीन पॉइंट्स के अंदर आपको डिफाइन करना है कि डिजायर्ड वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के ऊपर। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है, जिस भी प्रोसेस से जो भी कस्टमर के अंदर लैविश फील आता है, मान लो कि अगर कोई भी आप कोई भी चीज़ खरीद करके लेकर आते हो मार्केट से, मान लो कोई भी चीज़ खरीद करके लेके आओ, एक मान लो स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच खरीद करके लेके आओ। ठीक है, अब उसको आप जैसे जैसे खोलते जाते हो, पैकेजिंग को जिस तरीके से खोलते जाते हो, ठीक है, तो आपको जिस तरीके से खोलोगे उस तरीके से आपको लैविश फील आएगा। अगर आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू अगर आपकी हाई होगी तो आपको उतना ही अच्छा फील आएगा कि अरे वाह, ये तो मैं खोल रहा हूँ, उसके अंदर तो ये भी है, ये भी है। तो इस तरीके से आप मान लो उसकी वो क्या है, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, मतलब कि इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस वो होता है कि जिस भी मैनर से इन विच यू डिजाइन योर प्रोडक्ट, जिससे जो भी आपका प्रोडक्ट होता है वो डिजाइन किया गया होता है, जिससे कि हर कोई उसको उसकी डिमांड में लेना चाहता है। ठीक है, उसको खरीदना चाहता है। ठीक है, कि अगर आप मान लो कि एप्पल का आईफोन लेकर के घूमो या फिर उसकी स्मार्ट वॉच को पहन करके घूमो, तो उसकी जो भी उसकी केवल डिज़ाइन को ही देख करके, आधा घटे एप्पल को ही देख करके लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि अच्छा वो तो अमीर आदमी है। तो या आपका क्या होता है, एक तरीके से मैनर होता है, इन विच यू डिज़ाइन योर प्रोडक्ट सच दैट कि इट गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग इट। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि एनीथिंग विच क्रिएट्स वैल्यू फॉर योर कस्टमर, जो भी आपकी वैल्यू को क्रिएट करें, जो भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को क्रिएट करें कस्टमर की नज़र, शुड बी इन्वॉल्व इन योर वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। तो वही क्या होती है दोस्तों, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के अंदर आते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कस्टमर वैल्यू को इंक्रीज़ करती है, जिससे जो आपकी प्रोडक्ट की कस्टमर वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, वही क्या होती है दोस्तों, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। इट कुड बी, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप वैल्यू को इंक्रीज़ करवा सकते हो, वो आप पैकेजिंग, अच्छी पैकेजिंग करके आप कस्टमर वैल्यू को बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो, ब्रांड की इमेज से भी बढ़ सकती है, ब्रांड की जितनी ज़्यादा इमेज होगी उतना ज़्यादा कस्टमर की वैल्यू हाई होगी। ठीक है, और भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक तो पैकेजिंग हो गया, एक तो क्या हो गया, ब्रांड की इमेज हो गया। ठीक है, अगर आप महंगे रेस्टोरेंट में खा रहे हो जा करके तो उसकी वैल्यू अलग ही होगी। ठीक है, इसके अलावा उसकी आफ्टर सेल सर्विस की भी बात आ जाती है। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब आप समझते हो ना, कि जब सेल्स खत्म हो गए, मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद में उसकी क्या वैल्यू रह गई, मतलब कि उसके साथ में भी अच्छा खासा आपके साथ में रिलेशन बना हुआ है कि नहीं लोगों के साथ में, तो वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, इट इज़ इन्वॉल्व इन योर वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। ये सारी जो भी चीज़ होती है वो वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के अंदर आती है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व अट्रैक्टिव पैकेजिंग सो दैट योर कस्टमर फील लैविश। इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात आती है वो यही होती है कि जिससे पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग जो होती है, पहले के समय में क्या होता था, बस लोगों को देना रहता था प्रोडक्ट, बट अभी क्या होगा, ऐसी पैकेजिंग करो कि कस्टमर को लैविश फील आए, मतलब कि उसको लग्जरी फील आए। ठीक है, जैसे कि आईफोन का बॉक्स खोलते ही आपको एकदम अच्छा सा फील होने लगता है। ठीक है, फिर आईफोन की वॉच को लेते ही अच्छा फील होने लगता है, लगता है कि वाह मैं तो मतलब अमीरी बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी फील आता है वही क्या होती है दोस्तों, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस होता है। अब इसके कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो देखो यहाँ पर ट्रेडिशनल के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं कि मेक द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करो और ऐसे पैक करके उसको क्या करना है, सेल कर देना है। ठीक है, तो मेक द प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट को बनाओ और उसको क्या करना है दोस्तों, देन आपको उसको सेल्स कर देना, उसकी प्राइस, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस, इन सारी चीज़ों को करके उसको प्रोडक्ट को सेल कर दो। बट आज के समय मॉडर्न की बात करें तो आज के समय जो कंपटीशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई, और कस्टमर्स के पास में बहुत सारी अलग अलग चॉइसेस हैं कि वो किसी भी, अगर आपने अच्छा सामान दोगे तो किसी और के सामने आपके बगल वाली दुकान में जाकर के ले लेगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या, जो मॉडर्न व्यू है वो मॉडर्न व्यू के अंदर क्या आता है दोस्तों, तीन फेजेस होते हैं। तीन फेजेस में सबसे पहला आता है चूजिंग द वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने वैल्यू चूज करने थे, आपको मतलब कि जो भी मार्केट होता है उसके अंदर सेगमेंटेशन करना रहता है, फिर टारगेटिंग करनी रहती है कि किस मार्केट को टारगेट किया जाए, और फिर पोजीशनिंग करनी होती है। सेगमेंटेशन का मतलब आप समझते हो ना, अलग अलग मार्केट है, बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड होती है, कहीं पर हेयर ऑयल मिल रहा है, कहीं पर आपका स्मार्टफोन मिल रहा है, मतलब फ़ोन्स का अलग मार्केट है। ठीक है, दवाइयों का अलग मार्केट हो गया,
और जहाँ पर सजावट के सामान का अलग मार्केट हो गया, तो आपको सेगमेंटेशन करना है, फिर टारगेट करना है कि आपको कौन से मार्केट के अंदर अटैक करना है, ठीक है। उसके उसके बाद में पोजिशनिंग का मतलब कि उसके अंदर भी अलग अलग ब्रांड्स होते होंगे, अलग अलग क्वालिटी होंगी, तो उसके अंदर वही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सेगमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखना है, बात करनी है। उसके बाद में फिर प्रोवाइडिंग वैल्यू की किस तरीके से आप बात कर सकते हो, प्रोडक्ट का फीचर्स को ऐसे कुछ एक यूनिक फीचर्स को रखो अपने प्रोडक्ट के अंदर जिससे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर होना चाहिए। उसकी प्राइस इस तरीके से कम होनी चाहिए और ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर कस्टमर की जो इमेज होगी अगर प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होगी तो वो जाहिर सी बात है वो प्राइस को भी ज़्यादा पे करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखो मान लो कि जो भी एप्पल का फ़ोन होता है तो वो क्या होता है, उसकी प्राइस बढ़ती है बट जो कस्टमर होता है उसकी डिमांड नहीं घटती, ठीक है, वो लोग तो खरीदते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो प्राइस होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये सारी भी चीज़ें भी आती है। उसकी सर्विस किस तरीके से, मतलब सर्विस का मतलब कि उसकी सर्विस की अगर मान लो एक बार आपका कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्ट हो जाता है, उसमें कोई भी फॉल्ट आ जाता है, तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस की आप उसकी सेल्स को किस तरीके से कितनी जल्दी से जल्दी आप उसको रिकवर करके दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड आता है कि कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। अब आपने इन सारी चीज़ों को कर लिया, अब लोगों को अवेयर कराना है, लाइक एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, कि लोगों को अवेयर कराना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, बात बतानी। तो इस तरीके से जो तीन पॉइंट्स बनते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों, मॉडर्न व्यू ऑफ वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के होते हैं। इस तरीके से जो भी आप अपने कस्टमर्स को क्या कर सकते हो, अपने कस्टमर्स को दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या कर सकते हो, उनको लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर क्या देखा कि वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है, कस्टमर वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू ऑल, बाय। और साथ में PDF का लिंक भी आप लोगों को व्हाट्सअप करने पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।